नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर ने मुख्य परीक्षा 2020 के जो रिजल्ट हैं यूजी और पीजी के लिए वो डिक्लेयर कर दिए हैं, तो आप अपना रिजल्ट है वो देख सकते हैं। इस क्लास से आप संबंध रखते हैं, अपना रिजल्ट आप तुरंत देख लीजिए, क्योंकि अभी 3 दिन नेट बंद रहेगा। जो राजस्थान पुलिस की परीक्षा होगी उन 3 दिनों के अंदर नेट पूर्णतः राजस्थान में बंद रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा लाइव कि किस प्रकार से आप अपना रिजल्ट है वो देख सकते हैं, कौन कौन सी क्लासेस का रिजल्ट है वो आ चुका है, और सभी क्लासेस का रिजल्ट अभी जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि जिन क्लासेस के पेपर पहले हो चुके थे उनका रिजल्ट अभी डिक्लेयर हो गया है, और जिनके अभी थोड़े लेट कम्प्लीट हुए हैं उनका रिजल्ट अभी 1 सप्ताह के अंदर अंदर आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें। भले ही आप उस कक्षा से संबंध न रखते हों, लेकिन आपके रिलेटिव जो भी आपके रिलेशन में हैं, जो उस कक्षा से संबंध रखते हैं, चाहे वो यूजी का विद्यार्थी हो चाहे पीजी का, उस तक आप उसे शेयर जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल में जाएंगे, आपको यहाँ पे लिखना है यूनिव इंडिया, या आप जैसे यूनिव लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा यूनिव इंडिया 2020। इस पर आप जब करेंगे क्लिक तो आपके सामने एक साइट आएगी यूनिवर्सिटी की, univindia.net। इस पर आप जब करेंगे क्लिक तो आपके सामने पेज ओपन होगा यूनिवर्सिटी का, जिसके ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर। यहाँ पर काफ़ी सारे स्ट्रीम्स हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं, और यहाँ पर अपना जो टाइम टेबल था वो दिखा रहा है। यहाँ पर आप जाएंगे रिजल्ट 2020 पर, रिजल्ट एग्ज़ाम 2020 पर। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपको एक अपनी क्लास मेन परीक्षा मुख्य परीक्षा सेलेक्ट करनी होगी, यूजी है पीजी है या कोई अदर प्रोफेशनल कोर्सेज है वो सेलेक्ट करना होगा, और फिर आपकी क्लास सेलेक्ट करनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ मेन एग्ज़ाम अपना, कोई सप्लीमेंट्री नहीं है, मेन एग्ज़ाम है। इसके बाद सेलेक्ट करें आप यूजी, जैसे यूजी मैंने सेलेक्ट किया जिसमें बीएससी बीकॉम ये सब्जेक्ट आ जाएंगे बीए, और फिर आप अपने यहाँ पर अपनी क्लास सेलेक्ट करेंगे। तो यूजी के अंदर तो डायरेक्ट सिर्फ बीकॉम पार्ट 3 का ही दिया गया है। जैसे ही आप प्रोसीड टू रिजल्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा एक पेज आएगा जिसके अंदर आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे और अपना रिजल्ट आप याद कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट उसका ले सकते हैं। इसी प्रकार से जब आप सेलेक्ट करेंगे मेन एग्ज़ाम दोबारा से, और फिर आप करेंगे पीजी पर, जब पीजी पर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं 3 टाइप्स के जो क्लासेज हैं स्ट्रीम्स हैं उनके रिजल्ट आएंगे। एमएससी फाइनल बायोटेक्नोलॉजी एग्जाम 2020 का रिजल्ट आ चुका है, पीजी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इसका रिजल्ट आ चुका है, और एमए फाइनल म्यूजिक एग्जाम 2020 का रिजल्ट है वो आ चुका है। कोई से भी एक पे आप क्लिक करेंगे और तो इस प्रकार से जो भी आप स्ट्रीम आपकी है तो आप अपना रिजल्ट वो देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम और भी आगे देखते हैं तो मेन एग्जाम आपको बार बार सेलेक्ट करना होगा, और जब आप यहाँ पे देखें एलएलबी का, तो एलएलबी का आपके सामने नहीं आया है अभी तक, किसी भी क्लासेस का रिजल्ट वो नहीं आया है। फिर आप प्रोफेशनल कोर्स पे करते हैं प्रोफेशनल कोर्स, तो प्रोफेशनल के अंदर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे रिजल्ट यहाँ पर आ चुके हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर पीजी डिप्लोमा इन योगा, एमएससी फाइनल योगा, पीजी डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन एग्जाम 2020, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस एग्जाम 2020, बीएससी होम साइंस पार्ट 3 और बीपीएड सेकेंड ईयर एग्जाम 2020। ये क्लासेज जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्स के अंतर्गत आती हैं और इनके रिजल्ट हैं वो डिक्लेयर हो चुके हैं। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखते हैं एजुकेशन, यानी जो बीएड वाले होते हैं उनके एग्जाम अभी लेट कंप्लीट हुए थे तो इनका जो रिजल्ट है वो भी नहीं आया है। तो जिन क्लासेज के रिजल्ट नहीं आए हैं वो जल्दी ही आने वाले हैं। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।